नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित मेरे दीन दयाल में प्रदेश भर के युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। बैतूल के जयवर महाविद्यालय में आयोजित मेरे दीनदयाल प्रतियोगिता परीक्षा में 5000 से अधिक छात्र शामिल हुए, प्रश्न पत्र को हल किया। इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक संबंधित विषय पर निबंध था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। आयोजकों ने बताया कि जिला स्तर पर महाविद्यालयीन और विद्यालयीन स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता को लैपटॉप, स्मार्टफोन दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के 6 युवाओं को फरवरी माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कॉफी पीने का मौका भी मिलेगा। देखिए, ये जो प्रतियोगिता है, एक तो ये बैतूल जिले के लिए नहीं हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और जो इसका उद्देश्य है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की ये 100वीं जयंती है और 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय महान चिंतक विचारक थे और उन्होंने जो एकाध मानववाद दिया है, निश्चित चल के पूंजीवाद खत्म हो गया है, समाजवाद खत्म हो गया है, छत्र की राजनीति नहीं चलेगी, अधिकारवाद की राजनीति, कोई संपन्न राष्ट्र है, पूंजीवादी राष्ट्र है तो उसकी पूंजीवादिता नहीं चलेगी, विश्व का भला होगा, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दिखाए गए एकाध मानववाद से ही होगा। युवाओं में सामान्य ज्ञान वर्धन करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे दीनदयाल प्रतियोगिता का आयोजन किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान की जानकारी दी गई।